सबसे पहले अपने बारे में इंट्रोडक्शन दीजिए। सर, मेरा नाम मनीष यादव हुआ। मैं मधुबनी डिस्ट्रिक्ट झंझारपुर से बिलोंग करता हूँ। मैंने दरभंगा पॉलिटेक्निक गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज दरभंगा से 3 इयर्स का डिप्लोमा 2021 में पास आउट हुआ हूँ। और मैंने 2021 में BCCLE का एग्जाम दिया था, जिसमें मेरा UR रैंक 189 और BC यानी कि कैटेगरी रैंक 80 आया था, जिसके अंतर्गत मुझे मोतिहारी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग मिला है, डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। वर्तमान में मैं BTech सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। आपने प्रिपरेशन कब स्टार्ट किया था लेटर मैंने सर प्रिपरेशन BCCLE एग्जाम 2021 के बिफोर सिक्स मंथ बिफोर स्टार्ट किया हूँ। लेकिन जिस टाइम मैंने स्टार्ट किया हूँ स्टार्टिंग में, उस टाइम मुझे जो है सिलेबस प्रॉपर तरीका से समझ में नहीं आ रहा था, जिसके कारण बस मुझे बहुत तरह का प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। फिर हम अचानक आपके YouTube चैनल पर गए और वहाँ से मुझे एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड हुआ कि ऐसे ऐसे तैयारी करना है। उसके रिगार्डिंग मैंने सिलेबस देखे और आपका लाइव सेशन देखे सिलेबस के अकॉर्डिंग, और उसके अकॉर्डिंग मैंने तैयारी प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया। एक अगर मेनली देखा जाए तो मेन एक प्लेटफॉर्म आपके YouTube चैनल से मुझे मिला है, उसी स्रोत के अकॉर्डिंग मैंने BCCLE का प्रिपरेशन स्टार्ट किया हूँ और मैंने इतना रैंक हासिल किया है UR में 189 और BC में 80 रैंक। तो जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे तो उसमें सबसे ज्यादा डिफिकल्टीज आपको किस सब्जेक्ट में हुआ? सबसे ज्यादा वैसे में सर तीनों सब्जेक्ट में मुझे डिफिकल्ट लग रहा था, लेकिन सर आपके जब से मतलब वीडियो लेक्चर देखना स्टार्ट किया तो इंग्लिश में तो मुझे बिल्कुल ही नहीं मतलब लगा कि डिफिकल्ट है। इंग्लिश तो डिफिकल्ट मालूम ही नहीं पड़ रहा था जब से आपका चैनल कंटेंट देखना स्टार्ट किए। उसके बाद मुझे मैथ और मैकेनिक्स में थोड़ा डिफिकल्ट होने लगा, तो फिर हम उसके लिए थोड़ा प्रिपरेशन आपके चैनल से भी मुझे मिला है। उसके बाद जो है मैंने BS अग्रवाल हायर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स BS अग्रवाल गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज बुआज गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज के लाइब्रेरी से मुझे मिला, और वहां से मैंने बुक से सेल्फ स्टडी और कुछ कंटेंट जो है यूट्यूब से भी देख के कवर किए हैं जो भी प्रॉब्लम था। तो उसमें जो है जैसे क्योंकि मैथमेटिक्स और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का लेवल जो है ना थोड़ा हाई रहता है BCCLE में, तो उसके लिए भी मैंने BCC JEE Mains का क्वेश्चन बैंक भी मंगवाया है, और JEE Mains का क्वेश्चन बैंक का भी क्वेश्चन का जो है सॉल्यूशन करना स्टार्ट किया, उससे मुझे बहुत हेल्पफुल हुआ। चलिए, एक आप नया स्टूडेंट, आपने बताया कि BCC का जो एग्जाम्स का लेवल है फिजिक्स का क्वेश्चंस राइट, वो अप्रोक्सीमेटली आपका मैच करता है जो इसका मैकेनिक्स का पेपर है। यस यस सर, यस। तो आपने एग्जाम में कितना क्वेश्चन अटेंड किया था कि आपका 189 रैंक? मैंने सर इंग्लिश में तो इंग्लिश में क्वेश्चन सबसे पहले मैंने इंग्लिश क्वेश्चन देखे, तो इंग्लिश क्वेश्चन में मुझे सब क्वेश्चन आ रहा था, लेकिन फिर भी डरते डरते 35 क्वेश्चन हम अटेम्प्ट किए और 50 क्वेश्चन छोड़ दिए। उसके बाद मैथमेटिक्स उल्टा आया, तो मैथमेटिक्स में मुझे स्टार्टिंग में कुछ क्वेश्चन 10 क्वेश्चन हम सही सही प्रॉपर तरीका से बनाया मुझे बन रहा था, लेकिन जैसे ही आगे गए तो मुझे डिफिकल्ट लगने लगा, तो उसको हम जो है छोड़ के उसके बाद मैकेनिक्स आ गए। मैकेनिक्स का क्वेश्चन देखे, मैकेनिक्स में करीब 10 क्वेश्चन हमसे बना, उसके बाद छोड़ दिए। फिर मेरे पास टाइम बच गया 1 आवर, तो 1 आवर टाइम बच गया तो हम आ गए मैथमेटिक्स सेक्शन पे। मैथमेटिक्स सेक्शन पे आए तो प्रॉब्लम को सॉल्व करके बनाते बनाते लगभग 25 क्वेश्चन मैथमेटिक्स में और 10 क्वेश्चन मैकेनिक्स में सॉल्व किए थे, इंग्लिश में 35। ओके, यानी ओवरऑल मान और दोस्त दोस्त तो आप 40% के अप्रोक्स मैथ में करेंगे। यस यस सर। सर सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या हो गया कि जैसे ही हम एग्जामिनेशन हॉल में गए तो वहां तो कैलसी ले जाने का अलाउ है नहीं, कैलकुलेशन में वहां पे बहुत बड़ा मिस्टेक हो रहा था, क्योंकि प्रिपरेशन करते वक्त इतना छोटा से छोटा वैल्यू को कैलकुलेट नहीं किए थे, तो एग्जाम हॉल में थोड़ा दिक्कत हुआ और टाइम जो है ना टाइम नहीं बचा, क्वेश्चन बच गया लेकिन टाइम मेरा खत्म हो गया।
यानी इस बार जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको एक और सलाह कि अगर आप छोटे छोटे कैलकुलेशन भी कैलकुलेटर से कर रहे हैं जी जी तब बहुत जी जी दिक्कत होने बहुत वाला है एग्जाम, बहुत 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 बड़ा दिक्कत होगा सब तब उनको सर एग्जाम हॉल में। यानी कोशिश करना है कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके विदाउट कैलकुलेटर कैलकुलेट करें। जी वही क्वेश्चन विदाउट प्रैक्टिस करेंगे कैलकुलेटर पर डे बट विदाउट जी जी कैलकुलेटर। जी जी हो जाएगा सर। जैसे मैथमेटिक्स में हो गया आइगन वैल्यू हो गया, उसके बाद गामा फंक्शन हो गया, बीटा फंक्शन हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, डिफ्रेंसिएशन हो गया, ये सब अगर थोड़ा भी अगर बेसिक कंसेप्ट भी अगर क्लियर है ना तो एग्जाम हॉल में क्वेश्चन नहीं छूटेगा ये सबसे, ये श्योर है। और इससे इस टॉपिक से जो है ना सर मैक्सिमम क्वेश्चन आता ही आता है। और मैथमेटिक्स में सर एक चीज मुझे और देखने को मिला है कि 5 से 7 क्वेश्चन ऐसा होगा मैथमेटिक्स में जो ऑप्शन जो दिए रहते हैं ऑप्शन, उस ऑप्शन को इक्वेशन में पुट कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा लेफ्ट साइड, और राइट साइड अगर बोथ साइड अगर 0 आ गया तो समझिए वो ऑप्शन सही है, अगर बोथ साइड अगर इक्वल नहीं आया लेफ्ट साइड और राइट साइड तो वो आंसर रॉन्ग है, इनकरेक्ट है। तो उनका आंसर ये चीज दस भी एगो होगा, 5 से 7 क्वेश्चन आंसर ऐसा सर, दस यस सर 5 से 7 क्वेश्चन ऐसा मिलने को देखने को मिल सकता है। डायरेक्ट ऑप्शन ऑप्शन उठाइए और पुट कीजिए इक्वेशन में, आपका होगा। वैल्यू 0 लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी बोथ साइड अगर 0 आ गया तो वही ऑप्शन करेक्ट है। ये भी एक ट्रिक है सर, ये भी हम जो स्टूडेंट इस बार अपियर होने जा रहे हैं उन लोगों से हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि इस तरह से अपना, और जहां तक हो सके कि जितना सटीक हो सके अपना ट्रिक भी तैयार करके रखे जिससे एग्जाम हॉल में क्वेश्चन सॉल्व करने में उसको प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। क्योंकि एग्जाम हॉल में क्या होता है सर कि ऐसा लगता है कि सब क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन जब आप प्रॉपर तरीका से उसका सॉल्यूशन निकालते जाइएगा टाइम खत्म हो जाएगा, टाइम ही नहीं पता चलेगा। क्योंकि 2 घंटा देता है, 2 घंटा 15 मिनट, तो 15-20 मिनट तो आपको अटेंडेंस बनाने में आपका जो भी उसका फॉर्मेलिटी होता है वो सब करने में टाइम ले लेता है, बचता है मुश्किल से 1 आवर 45 मिनट के आसपास बचता है, उसी में आपको 150 क्वेश्चन रहता है उसमें से सॉल्व करना है। और इंग्लिश तो क्वालिफाइंग नंबर क्वालिफाइंग मार्क्स है, रही मैथ और मैकेनिक्स तो उस पे रैंकिंग बनता है, तो उस पे ज्यादा फोकस करना होगा स्टूडेंट सब को, और इंग्लिश पे भी करना है, ऐसा नहीं है कि इंग्लिश पे नहीं करना है, क्योंकि मेन तो इंग्लिश से है, इंग्लिश अगर क्वालिफाई नहीं होते हैं तो फिर उसका मैथ और मैकेनिक्स का कॉपी चेक ही नहीं होगा, तो इंग्लिश भी इम्पोर्टेंट है, इंग्लिश के साथ साथ मैथ और मैकेनिक्स भी अगर अच्छा रैंक लाना चाहते हैं तो। तो मैथ्स में आपको सबसे इजी टॉपिक कौन सा लगा था जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है? मैथ में सर वैसे में तो इजी तो कोई टॉपिक कहा नहीं जाए, लेकिन जिस हिसाब से मुझे प्रिपरेशन था उसके अकॉर्डिंग हम बता रहे हैं, जैसे हो गया आइगन वैल्यू सब हो गया, आइगन वेक्टर हो गया, गामा फंक्शन हो गया, ये सब का ट्रिक सर हम अपना खुद का एक ट्रिक तैयार किए थे, और मुझे हेल्प मिला था RPS हॉटस्पॉट सर है, प्रीतम सर है, उनके चैनल से भी मुझे कुछ रिसोर्स मिला था मैथमेटिक्स के लिए, हम वहां से भी एक्सेस किए थे अपना कुछ नॉलेज मैथमेटिक्स के मामले में। तो वहां से भी हम स्टूडेंट को मैसेज देना चाहते हैं कि RPS हॉटस्पॉट हैं जो प्रीतम सर हैं जो पटना में पढ़ाते हैं AN कॉलेज के पास, उनका भी चैनल से बहुत मतलब मैथमेटिक्स के मामले में ट्रिक मिल सकता है अगर उनके चैनल पे जाके। या दैट्स राइट। एंड आप ये बताइए कि इस बार जो एग्जाम देने वाले हैं उन लोगों को अभी जो है लगभग 40 दिन टाइम उनके पास है, यानी आज से उनका यस चालीस सर दिन यस तो इस यस सर कोचिंग ये बेस तो में कैसे प्रिपेयर करना चाहिए? देखिए सर मतलब हम जो स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं बहुत पहले से तो उनके लिए भी ये मैसेज है, और जो अभी तक कुछ प्रिपरेशन स्टार्ट भी नहीं किए हैं और स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए भी ये मैसेज है कि सबसे पहले जो BCCLE का सिलेबस है उसको प्रॉपर तरीका से जहाँ से भी हो वहाँ से अवेलेबल करवाए, और दूसरा उसके अकॉर्डिंग जो जिसमें कम पढ़ना पड़े जिस टॉपिक्स में मुझे कम पढ़ना पड़े वो टॉपिक को कलेक्ट करना है, उस टॉपिक के अकॉर्डिंग मुझे मटेरियल अवेलेबल करना है, मटेरियल अवेलेबल करके उसके अकॉर्डिंग अगर वो स्टडी करते हैं सही डायरेक्शन में तो हो जाएगा उनका सिलेक्शन और अच्छा रैंक। और रही तो मटेरियल की बात रही तो आपका चैनल
काफी है बीसीसीएलई के लिए मटेरियल के मामले में। और दूसरा आपका, मेरे टाइम में तो बीसीसीएलई के लिए आपका बुक भी नहीं पब्लिश हुआ था, तो उस टाइम काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। इस बार से तो बुक भी पब्लिश कर दिए हैं आप, तो मुझे नहीं लग रहा है कि इस बार स्टूडेंट सब को ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। और दूसरा मैसेज देना चाहते हैं कि इस बार इंग्लिश में, पिछले बार कलेक्टिव नाउन से इंग्लिश में पूछा था 5 क्वेश्चन, इस बार एडजेक्टिव से 5 क्वेश्चन पूछेगा, 100% है। अच्छा सिमली हो, अगर जो स्टूडेंट अभी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, अभी स्टार्ट नहीं किया करना चाहते हैं, उनके लिए इंग्लिश में 5 टॉपिक पे अपना पकड़ बना ले। सिमली हो गया, सिमली हो गया, उससे 5 क्वेश्चन आता है तो उसको 25 नंबर मिल जाएगा सिमली से। उसके बाद हो गया करेक्ट स्पेलिंग, करेक्ट स्पेलिंग में थोड़ा अगर सेंटेंस पे ध्यान देगा तो वो इजिली हो जाएगा 5 क्वेश्चन। वो हो गया 5 5 10 क्वेश्चन हो गया। प्लस में ये सिलेबल, सिविल लेवल पे अगर थोड़ा ध्यान देता है तो इजिली हो जाएगा। पिछले टाइम क्या हुआ कि 10 सिलेबल से क्वेश्चन पूछ जाता, इस बार भी मे भी हो सकता है, इस बार भी कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है। तो थोड़ा ये 4 5 टॉपिक पे अगर थोड़ा फोकस कर लेगा। हाँ, साइनो एंटो को इग्नोर कर दे, क्योंकि साइनो एंटो जो है ना इंफिनाइट है, उसको कितना भी पढ़ेगा फिर भी कॉन्फिडेंस नहीं है कि क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा एग्जाम हॉल में। तो कहाँ साइनो से एंटो क्वेश्चन मेरे कौन सा आएगा ख्याल उसका से, पता जी, साइनो एंटो में बहुत, मतलब कितना भी पढ़ेगा फिर भी उसको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि मेरा इतना क्वेश्चन बन ही जाएगा। इससे बेटर है कि सिमली और करेक्ट स्पेलिंग हो गया, सिलेबल हो गया, करेक्ट कलेक्ट एडजेक्टिव हो गया और कलेक्टिव नाउन हो गया। तो मेरे ख्याल से इस बार कलेक्टिव नाउन से क्वेश्चन नहीं आएगा, आएगा कलेक्टिव एडजेक्टिव से क्वेश्चन आएगा, क्योंकि पिछले बार पूछ दिया है कलेक्टिव नाउन से। ओके और ये जैसे जैसे मंथ का जो है शॉर्ट नेम होता है, जैसे सितंबर हो गया SCPT, ऐसे करके 12 मंथ होता है, तो 12 मंथ का शॉर्ट जो कैसे लिखा जाता है, जैसे जनवरी हो गया, फरवरी हो गया, मार्च हो गया, अप्रैल, ये 12 मंथ है, ये 12 मंथ को भी शॉर्ट में देख लेगा कि किस तरह से उसे शॉर्टेस्ट में लिखा जाता है उसका नाम। बस इससे भी हो सकता है कि मैं भी 2 3 क्वेश्चन पूछ दे, क्योंकि पिछले बार पूछ दिया था। तो ये सब एक, और दूसरी बात कि बीसीसीएलई एग्जाम क्वालिफाई करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हाँ, एक सही डायरेक्शन अगर कहीं से मिल रहा हो और प्रॉपर वे से अगर वो तैयारी करे तो इजीली सिलेक्शन ले सकता है। अभी भी अगर नहीं भी तैयारी स्टार्ट किया है, फिर भी अभी अगर तैयारी करना स्टार्ट कर देता है तो इजीली सिलेक्शन ले सकता है अच्छा रैंक के साथ। बस 3 सब्जेक्ट हैं, तो 3 सब्जेक्ट में वो सेलेक्ट कर ले, 5 5 टॉपिक, 5 5 टॉपिक पढ़ना है, इससे ज्यादा नहीं। अगर बीसीसीएलई का इतना सिलेबस फास्ट है कि अगर पूरा तरह से भी अगर उस सिलेबस को 0 लेवल से स्टार्ट किया जाए तो उसको मिनिमम 1 ईयर लग सकता है उसको कंप्लीट करने में, सिलेबस मिनिमम, मैक्सिमम, जी, मैक्सिमम तो जितना दे सके। तो इसीलिए जिस टॉपिक्स, और हाँ, क्वेश्चन क्वेश्चन बैंक देखेगा और प्रीवियस का क्वेश्चन देखेगा तो उससे उसको एनालाइज हो जाएगा कि क्वेश्चन का लेवल क्या होता है, किस तरह से पूछता है, उससे भी उसको क्रिएटिविटी एक पता चल जाएगा एग्जामिनेशन हॉल का, इससे तो उसको बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। दैट्स फाइन। आप लोगों को अपना सजेशन दिए कि आपका क्या राय था बीसीसीएलई को लेकर, और कैसे क्वेश्चन अटेंड करना है, कौन सा टॉपिक पढ़ना है। सिलेबस पूरा कंप्लीट करने की जरूरत नहीं है, बस कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स पढ़ नहीं लें तो नहीं बिल्कुल नहीं, सफिशियंट है। जी। और अगर नहीं, अगर पूरा सिलेबस वो कंप्लीट करना चाहते हैं, तो अगर मैथमेटिक्स का अगर पूरा सिलेबस वो कंप्लीट कर लेता है, तो अगर वो बीटेक में जाता है, बीटेक थर्ड ईयर से गेट का एग्जाम वो देता है, तो 20% उसका सिलेबस मैथमेटिक्स का कंप्लीट रहेगा गेट एग्जाम के अकॉर्डिंग, 20% सिलेबस अगर पूरे मैथमेटिक्स सही से 0 लेवल से पढ़ लेता है तो। या राइट क्योंकि जो चीज हम बीसीसीएलई में पढ़े हैं सर, वो अभी जो अभी सर गेट के से उसको देख लिया जाता तो आज उतना मेहनत नहीं करना पड़ता। थोड़ा हाँ, थोड़ा मैथमेटिक्स में हो जाएगा कवर, मैथमेटिक्स में हो जाएगा कवर, लेकिन थोड़ा ये मैकेनिक्स है ना, मैकेनिक्स में थोड़ा टाइम लगेगा। मैकेनिक्स, क्योंकि मैकेनिक्स जो है, जब तक 0 लेवल से स्टार्ट नहीं कीजिएगा तब तक मैकेनिक्स का क्वेश्चन, क्योंकि बहुत फास्टली रहता है, क्वेश्चन के ही क्वेश्चन के अंदर ही क्वेश्चन डाल देता है, कंफ्यूज हो जाता है। जैसे पावर, वर्क, एनर्जी हो गया, इक्विलिब्रियम हो गया, फ्रिक्शन हो गया। हाँ, मैकेनिक्स में जो है सबसे ज्यादा पकड़ बनाना है तो फ्रिक्शन पे बनाना है, फ्रिक्शन टॉपिक और इक्विलिब्रियम, ये 2 टॉपिक काफी है मैकेनिक्स के लिए।
फ्रैक्शन में क्या पूछता है, फ्रैक्शन में एक क्वेश्चन 100% गारंटी के साथ बोलते हैं कि आएगा ही आएगा। दो बॉडी दे देगा मास, उसका कुछ वेट दे देगा, उसको बोलेगा इंक्लाइंड प्लेन पे है, इसका बोलेगा हॉरिजेंटल या वर्टिकल निकालने के लिए, या वेट निकालने के लिए बोल देगा, या एंगल निकालने के लिए बोल देगा हॉरिजेंटल वर्टिकल प्लेन पे। तो इस टाइप का एक क्वेश्चन फ्रैक्शन से आता ही आता है हर साल। और हाँ बोलिए, बीसीसीएलई को इतना भी फास्टली नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि डिप्लोमा बैकग्राउंड से आते हैं तो उतना एडवांस। नंबर पे अच्छा रैंक आता है, यही कारण है। और जेई मेंस का क्वेश्चन बैंक पे जरूर फोकस करें, अगर मैथमेटिक्स, अगर मैथमेटिक्स और ये इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में का क्वेश्चन अगर सॉल्व करना है प्रॉपर तरीका से एग्जाम हॉल में, तो जेई मेंस का क्वेश्चन बैंक आता है, वो उसको जरूर देखें। ओके चलिए ठीक है, आप टाइम निकाल कर अपना बात शेयर किए, उसके लिए थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हम आपको भी धन्यवाद देना चाहते हैं, और जो इस वीडियो को देखना चाहते हैं उनको भी धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि सर आप अपना मूल्यवान टाइम निकाल के इसके लिए मुझे टाइम दिए हैं, कुछ बोलने का मौका दिया है, इसके लिए बहुत बहुत आभारी है सर आपका। आप ही के बदौलत आज मोतिया इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो मेरा सर कहाँ रहते, आज नहीं रहते, कोई ठीक नहीं है। आप ही की वजह से मुझे इतना मोटिवेट मिला और कॉन्फिडेंस हुआ, जिसके कारण बस आप मोतिया इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहे हैं। चलिए ठीक है, फिर बाय।